सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान की फिल्म में कैमियो करेंगे ये साउथ के जबरदस्त सुपरस्टार। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अभी बीते दिनों ही एक ट्वीट के जरिए इशारा किया था कि वो डायरेक्टर एटली कुमार के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। इस ट्वीट के बाद फिल्मी दुनिया में हलचल मच गई थी। निर्देशक एटली कुमार के साथ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म को लेकर बीते कई दिनों से खबरें आ रही थी और बाजार गर्म था। अब ये रिपोर्ट सही साबित होते हुए दिख रही है। शाहरुख खान के इस ट्वीट के बाद फिल्मी दुनिया में हलचल मच गई और कई तरह की खबरें और सामने आने लगी। दरअसल सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने इस ट्वीट में तमिल सुपरस्टार थालापति विजय की फिल्म बीस्ट के ट्रेलर की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था कि डायरेक्टर एटली कुमार के साथ बैठा हूं, जो थालापति विजय के बहुत बड़े फैन हैं, जैसा कि मैं खुद हूं। बीस्ट की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। ट्रेलर जबरदस्त लग रहा है, लीनर स्ट्रॉन्गर। शाहरुख खान का ये ट्वीट आप खुद देख सकते हैं। इससे बात साफ है कि वो साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय की भी तारीफ कर रहे हैं और फिल्म के डायरेक्टर एटली की भी। इसके बाद से ही खबरों का बाजार गर्म हो गया है कि शाहरुख खान डायरेक्टर एटली कुमार की अगली फिल्म में नजर आने वाले हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहरुख और तमिल सुपरस्टार थालापति विजय भी एक दूसरे के संग हाथ मिलाने वाले हैं। अब ताजा खबर यह है कि सुपरस्टार शाहरुख खान और कॉलीवुड स्टार थालापति विजय वाकई में एक दूसरे के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान और थालापति विजय की जोड़ी डायरेक्टर एटली कुमार की अगली फिल्म में दिखाई देगी। इतना ही नहीं, सुपरस्टार शाहरुख खान इस फिल्म में थालापति विजय एक कैमियो करने जा रहे हैं। ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर ओमेर संधु ने अपने ताजा ट्वीट में इस न्यूज को कंफर्म करते हुए लिखा है कि शाहरुख खान की फिल्म में थालापति विजय का पूरे 15 मिनट का कैमियो रोल होने वाला है। इससे पहले थालापति विजय अपनी दूसरी पैन इंडिया रिलीज फिल्म बीस्ट यानी रॉ को लेकर सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में उनका किरदार एक रॉ एजेंट का है जो आतंकवादियों के छक्के छोड़ाता हुआ नजर आता है। फिल्म की कहानी एक मॉल हाईजैकिंग की कहानी है।